ट्रेंड्स को मिक्स कर देते हैं मिक्स के साथ अब एक ट्रेंड चला जी आजकल टू लाइट इस्तेमाल करें

जो बॉडी वेट है उसको बहुत ज्यादा गिरा लें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपका चेहरा जो है वो ग्लो के बजाय और मुरझा जा जाए तब तो क्या फायदा? अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है मौसम के साथ साथ हमारी बॉडी टम्परेचर भी चेंज हो रहा है बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है क्योंकि अचानक से गर्मी भी आ गई है और बॉडी को मेंटेन भी करना है इसी सिलसिले में आज हमने बात करने के लिए स्टूडियो में जिनको इन्वाइट किया है डॉक्टर वर्दा सिकंदर जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मौसम में किस तरीके से अपनी बॉडी को डिहाइ इड्रेट से बचाया जाए और मेंटेन रखा जाए डाइट किस तरह से रखी जाइए आई इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैं बिल्कुल ठीक आप बताइए अल्लाह का शिक्र अच्छा सबसे पहले तो दी मौसम चेंज हो रहा है और अचानक से मेरे ख्याल से गर्मी सी आ गई है और इसमें तीन चार दिन से मैं भी देख रही हूँ नोटिस कर रही हूँ कि बॉडी बड़ी डीहाइड्रेट हो रही है आ, बड़ा एक अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर पर जो है वो अचानक सा पड़ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग टू यू ये क्यों हो रहा है इसकी क्या वजह है अच्छा सबसे पहले तो होता है जैसे ही सीजन चेंज होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर और जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है वो दोनों को आपस में इकट्ठे होने में थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट करने में चीज़ों का टाइम लगता है उसके अलावा जैसे ही हीट आती है तो वो हीट स्ट्रोक डायरेक्ट हमारी बॉडी पे अफेक्ट डालता है तो है। इस वजह से क्या होता है कि अभी वो जैसे बहुत पीक ऑफ समर्स नहीं आया लेकिन जैसे ही ये वाला ही सीज़न होता है मतलब इसको सीजन चेंज और बीमारियों का सीज़न भी कहा जाता है क्योंकि ये जो ट्रांसियंट चेंज एकदम आता है तो वो बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम hmm. लगता है hmm. बिल्कुल ठीक है अच्छा मुझे बताएगा कि आ, जो मिथ्स की अगर बात करूँ देर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट डाइटिंग हेल्दी ईटिंग सो so, वो कौन कौन सी ऐसी आप क्योंकि वेल एक्सपीरियंसड well हैं और आप एक्सपीरियंस करती हैं रोज़ आपके पास क्लाइंट्स आते हैं सो वट डू यू थिंक वो कौन से मिथ्स हैं जो लोगों के माइंड एक सेट में बैठा हुआ है कि नहीं हमने आ, नहीं जाना हमने हमें खुद से ही हम खुद ही अपने डाइटिशन है हमने खुद से ही अपनी जो है वो हाईलाइट कर लिया कि ये ये हमने डाइट करनी है सो वट डू यू थिंक अबाउट दिस अच्छा आकाशक ये आपने ना बड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन रेस किया पता है क्या होता है हमारे यहाँ हम ट्रेंड्स को मिक्स कर देते हैं मिथ्स के साथ hmm. अब एक ट्रेंड चला है जी आजकल कीटो डाइट फलाने hmm. फलाने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यूं क्विक वेट लॉस करती है चलो हम लोग भी इसके तरफ चले जाएं और उसके अलावा क्या होता है कि हम अक्सर एक मिथ सुनते हैं

जो हमें वेल well हाइड्रेट रखेंगे hmm. जैसे कि हमारे पास अल्लाह ताला ने ना बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया कि सीजन चेंज होते ही वो डाइट में ऑटोमेटिकली exactly. चीजें जैसे आज कहा हाँ, तरबूज आया है वाटर मेलन वाटर कंटेनिंग फ्रूट है पीच है उसमें बहुत अच्छा वाटर कंटेंट मौजूद है सब्जियां खासतौर पुदीना और hmm. और हमारे पास जो है वो कोकम्बर आ जाता है hmm. ऐसे इनरिच तो हम लोगों ने बैलेंस रखना है पानी का भी इस्तेमाल चूंकि पानी बहुत ज्यादा नहीं पिया हाँ, जाता वो एक वो वो ब्लोटिंग और पेट वाली अलामत है पेशेंट आके कह रहा होता तो हमें चाहिए कि साथ साथ जो है ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और वजह धूप में निकलने से और अच्छा लेट नाइट पानी बहुत ज्यादा पीने से अवॉइड करें और इसके अलावा बहुत लोग कंप्लेन करते हैं हम पानी पीते हैं लेकिन प्यास बुझती नहीं तो उसके लिए हम हमारे पास समझ में बड़ी अच्छी ड्रिंक्स आप बना सकते हैं स्ट्रॉबेरी का जूस बना सकते हैं डिटॉक्स ड्रिंक पी सकते हैं जैसे पुदीना थोड़ा सा आप अदरक का स्लाइस ले लें और लेमन स्लाइस ले लें उस पानी को तीन घंटे तक पड़ा रहने दें वो डिटॉक्स हो जाएगा वो आपको एक हाइड्रेटिंग फुलनेस और वैसे भी जो है डिटॉक्स वाटर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं हमारी से हाँ बिल्कुल ठीक है लेकिन अब अगर हम कोई ड्रिंक आपने बात की कि ड्रिंक्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं सो उसमें जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं जो शुगर की इनटेक इतना नहीं लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अब शुगर फ्री तो बहुत ज़्यादा अगर आप लेमनेट फॉर एग्ज़ाम्पल को समझाने वाली बात होती है हम लोगों के हाँ चीनी छोड़ना इसलिए मुश्किल है माइंड सेट बना हुआ चीनी छोड़ेंगे तो हमसे नहीं पिया जाएगा।, जाएगा शुगर साइकिल होती है हमारे जैसे मैं जैसे ही आप तीन दिन के लिए मीठा छोड़ेंगे आप अपनी बॉडी में इतना सेटिस्फाई फील होने लग जाते हैं और आपकी वो शुगर साइकिल जो है वो ठीक हो जाती है हाँ तो जिसकी वजह से आपको वो क्रेविंग नहीं रहेगी बाकी फिर भी अगर आपका मीठा के बगैर नहीं गुजारा है तो आपको चाहिए नेचुरल सोर्सेस जैसे अगर आपने स्मूदीज वगैरह बनानी है आप अंदर एक खजूरा ऐड कर लें आप जो है वो अंदर ऐड कर सकते हैं स्टीविया बड़ा अच्छा सोर्स है जैसे ये जूस वगैरह आपने बनाने हैं स्टीविया पाउडर लें एक पिंच स्टीविया जो है आप ऐड करें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर हाँ। और ना आपके जिसम के लिए नुकसान क्योंकि हम जितनी रिफाइंड शुगर लेते हैं उतनी ज्यादा घबराहट एनजाइटी और वो प्यास वाली एलामत और बढ़ती जाती है इंसुलिन रेजिटेंस के आज कल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है सोशल मीडिया ने कुछ बॉडी uh, इमेज भी बना दिए हैं और uh, हम स्क्रीन पे देखते हैं कि कोई पर्सन बड़ा ही स्लिम स्मार्ट और बड़ा ही यू uh, नो you know, वो फिज़िकल उसकी जो अपेयरेंस है वो बड़ी ही कमाल की है सो एवरीबडी वांट्स कि हम उस जैसा ही बने तो आप क्या समझती हैं कि जो नज़र आ रहा होता है क्या वो ट्रू होता है और लोग फिर उसमें इतना एक्स्ट्रा डाइट कॉन्शियस हो जाती हैं और कोई आप वाली बात है खाना बंद कर देती हैं ये जो है वो बड़ी आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया ट्रेंड्स इन हेल्थ इज़ समथिंग डिफरेंट और आप देखें जो हमारे पास हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज देख रहे होते हैं या टी पे हमें जो कुछ नज़र आ रहा होता है समटाइम्स इट इट्स अ कैमरा गेम और उसके अलावा हो सक उनकी जैसे मॉडल्स हैं उनका एक फिगर said because they are model professionally हा, उन्हें हा, उस चीज में रहना है इस वजह से वो भी भी। ऐसे हैं उसके अलावा अगर हम एक हाउसवाइफ हैं एक वर्किंग वुमन है और हम देख रहे हैं जी आजकल ट्रेंड है 47 वेट होना चाहिए और जो है वो इससे ज्यादा वेट होगा तो हम लोग एक बीएमआई कैलकुलेटर सेट इसीलिए क्या हुआ है कि आप हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट ठीक है इज एग्जैक्ट वेट नहीं इम्पॉर्टेंट क्या आप इतना और बाकी बॉडी शेमिंग का एक बहुत ज़्यादा गलत ट्रेंड है जिसको ख़त्म mm. करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने सोसाइटी रिचुअल सेट कर दिए हुए हैं कि इतना वेट होगा तो ये पर्सन हेल्दी होगा exactly. और उसके अलावा अगर फॉर अ रीज़न इफ़ समी इज ओबीज या मे बी उसका हारमोनल प्रॉब्लम हो मे बी कोई और प्रॉब्लम हो तो आपने फ़ौरन से उतन खाना जैसे एक्जैक्टली exactly आपने पहले बात की खाना छोड़ देंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स सारी होती हैं तीन दिन में वज़न कम उनको हाँ। बहुत ज़्यादा ट्राई करना शुरू कर देंगे चलो किसी तरह वज़न जो है वो कम हो लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है आप ब... ठीक है ख़ुद से स्लोली ग्रेजुअली वेट हेल्दी वेट रखना बहुत mm. ज़रूरी है लेकिन ट्रेंड्स की खातिर कि जी आप जीरो फिगर होना चाहिए एग डाइट का रिवाज है तो इसलिए मैंने ये चीज़ करनी है दैट इज़ वेरी रॉन्ग और ये बहुत खतरनाक साबित तो हो सकती है ये जानलेवा भी हो सकती है Achua. कि अगर आप एक स्पेसिफिक फूड ग्रुप पर लाइ करे हो आपने पानी छोड़ा हुआ कि मेरा जिस्म फूल जाएगा mm. सॉल्ट छोड़े हुए हैं तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है एंड वट डू यू थिंक अबाउट द करंट ट्रेंड्स जो आजकल डाइट के चले में कीटो डाइट होगी है फिर वो ग्लूटिन फ्री डाइट है समथिंग लाइक दैट

इस वजह से बहुत अहम है कि हम लोग बैलेंस डाइट को एक्सरसाइज करें hmm. और अगर आपने वेट रिड्यूस भी करना है या कोई बीमारी भी है तो पहले प्रोफेशन इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप किसी प्रोफेशनल पास जाएं उससे अपनी बॉडी असेस करके चीजों को बेहतर तरीके से स्टार्ट करेंगे हाँ, बेनिफिट भी होगा बिल्कुल वरना जो है वो फिर वही का वही के किया बहुत कुछ लेकिन हुआ हाँ, कुछ नहीं और ख़ास तौर पर जो लड़कियों की शादी होने वाली होती है करीब करीब वो ये इस तरह की डाइट का बहुत इस्तेमाल करती हैं टू जस्ट वॉन्ट के भाई वो जल्दी से जो है ना वो अपना वेट लॉस कर और आपको पता है आकाशा वो सबसे डेंजरस टाइम होता है ठीक है तब ऑब्वियसली हम कह रहे होते हैं कि आप अपनी को प्रिपेयर करें ठीक है फॉलिक एसिड का ज्यादा इस्तेमाल करें शादी के बाद ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस सब कुछ आ रहा होता है तो उससे पहले आपने अपने आप को हेल्दी करना है ना कि उल्टा आप अपनी जो बॉडी वेट है उसको बहुत ज्यादा गिरा लें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप का चेहरा जो है वो ग्लो के बजाय और मुरझा जा जाए तो exactly. फिर क्या फायदा जाहिर सी बात है ना आप इतना ज्यादा मतलब उसको जब आपकी इनटेक ही नहीं होगी कि आपकी खूबसूरती कैसे आएगी आपकी फ्रूट्स की इनटेक नहीं है आपकी वेजिटेबल्स की नहीं है आपकी हेल्दी डाइट ही नहीं आप इनटेक कर रहे हो सो आपका ग्लो तो कहीं मुझे लगता है छुप ही जाएगा और वो समझ रही होती कि बस सलोन जाकर वो कोई फेशियल हाँ। फेशियल करा फुशियल वो सिर्फ दो तीन दिन का होता है क्योंकि वट वी ईट वही हमारे फेस पर रिफ्लेक्ट करता है वही हमारी बॉडी दिखाती है तो इसलिए अच्छा खाना इज बहुत इम्पोर्टेंट और हम सोच समझ के खाएं माइंडफुल ईटिंग आजकल बहुत जरूरी hmm. है हम लोग ट्रेंड्स के चक्कर में ये चिप्स का पैक है प्रोसेस फूड है एक hmm. मिनट के अंदर खा देते हैं लेकिन वो एक मिनट हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक hmm. हो सकता है ये, ये चीज़ हम नहीं यू थिंक अबाउट की लोग हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या ऐसी गलतियां करते हैं अच्छा हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए एक जो होता है ना हम बिलावजा की फास्टिंग ठीक है इंटरमीटेंट फास्टिंग ठीक है वो आप कर है। सकते हैं बारह घंटे की विंडो करें अठारह वो जो हम हेल्थ के चक्कर में खाना छोड़ देते हैं या बिल्कुल आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है हर बंदे को लिवर फैटी का प्रॉब्लम आ रहा है फैट छोड़ दो जिंदगी से फ़ैट निकाल दें देखिए जिसम को हेल्दी फैट भी चाहिए दिल दिमाग उसको मेगा थ्री मेगा सिक्स मिलेंगे तो वो काम करेंगे सही तो इस वजह से हमने सबस्टिट्यूट्स और अल्टरनेटिव की तरह तरफ जाना है और अच्छी हेल्दी ऑप्शन की तरफ डिफरेंट गाइडलाइन है अमेरिकन एसोसिएशन है यू एस सी आई डी गाइडलाइंस होती हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने बड़े अच्छे डाइट के छोटे छोटे बनाए हुए हैं तो आपने अगर हेल्दी डाइट्स खुद से गूगल से सर्च करनी है तो आ,

देखिए ओबेसिटी hmm. होने की आठ दस वजूहत आ जाती हैं आपका हार्मोनल वेट hmm. हो सकता है कैलोरिक वेट हो सकता है इन्फ्लेमेट वेट हो सकता है थायराइड की वजह से वजन हो सकता है पोस्ट हो सकता है तो पहले जानना होगा एक डॉक्टर असेस करेगा तो आप बगैर किसी की जर्नी सुने हो सकता है उनका पोस्ट वेट हो वो जल्दी रिड्यूस हो जाता hmm. है लेकिन आम इंसान का तो इसलिए पहले अपने आप को जानिए समझिए खुद से भी चीज़ें करनी है तो पहले उस पर रिसर्च आउट करें कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत बिल्कुल ठीक है आ, अच्छा आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी आ, कुछ से बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जो नहीं कंसल्ट कर सकते हैं कुछ को अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है कुछ को आने जाने का इशूज़ हो सकता है कुछ नहीं समझते कि वो कम्फर्टेबल नहीं होते आना और डाइट को सो सेल्फ़ केयर किस तरह से की जाए और आजकल क्योंकि समर स्टार्ट हो गया है और इसमें अपनी डाइट बहुत ज़रूरी है ऊपर से फिर आपने जॉब भी करनी है आपने काम भी करना है सो so, इसको रूटीन को मद्देनजर रखते हुए आप थोड़ा सा हमें सेल्फ प्लान बताएं कि किस तरीके से हम अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी डाइट को परसू कर सकते हैं अच्छा आपने अपनी डाइट को बहुत सिंपल रखना है दैट्स द बिगेस्ट स्टेप ठीक है आप अपनी डाइट को सिंपल रखें ऑर्गेनिक फूड लें ठीक है hmm. कोशिश करें कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें आपने कॉम्प्लेक्स काब की छः से ग्यारह सर्विंग दिन में लाजमी इस्तेमाल करनी है प्रोटीन का इस्तेमाल करना है गोश्त अंडे का दालों का इस्तेमाल करें फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने साथ एक पानी की बॉटल रखें अगर आप ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं आपको हीट स्ट्रोक इस तरह की चीज़ ना हो तो आप कोई फ़्रेश फ्रूट का जूस या मिल्क शेक का इंतखा कर सकते हैं mm. उसके अलावा चिया सीड एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें फ़ाइबर भी प्रोवाइड और बहुत सारे लोगों को जो गट का मसला आ रहा होता है कि पेट ख़राब हो जाता है mm. गर्मी की वजह से उस चीज़ से आपको बचाएगा उसके अलावा वॉक गर्मियों में भी नहीं छोड़नी क्योंकि आपका डाइजेस्टिव mm. सिस्टम mm. आपके mm. साथ है चाहे वो गर्मी है चाहे सर्दी है और उसके साथ साथ अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखिए अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप खाएंगे तो और आप जो है अगर आपने अपनी स्किन की क्लेंजिंग भी करनी है तो आप फ्रेश फ्रूट्स की पील से करें ताकि आपकी स्किन जो है उसको कोई एसिडिक और इस तरह की चीज़ ना जाए तो इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और ख़ूबसूरत भी नज़र आते रहेंगे बिल्कुल ठीक है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो है वो बताया है और क्योंकि बातें बहुत सारी थी पूछने वाली बट ऑबियसली हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है सो तो हम इस सेशन को वाइंड अप यहीं करेंगे थैंक यू सो मच आपने